बेगूसराय जिला अंतर्गत तिगरा प्रखंड के पिपरा दुदराज पंचायत अंतर्गत मनपुर महादेव मठ के प्रांगण में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सदगुरु कबीर पंथ सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता महंत रामचंद्र दास ने किया। उद्घाटन महादेव मठ रोसरा मठ के उत्तराधिकारी आचार्य महंत स्वरूपानंद जी ने दीप प्रज्वलित कर किया तथा सदगुरु कबीर साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि तिगरा विधायक राम रतन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे दादा पिताजी भी कबीर पंथी थे, मैं जन्मजात कबीर पंथी हूँ। मुख्य वक्ता विश्व कबीर विचार मंच के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार आजाद ने संबोधित करते हुए कहा कि कबीर साहब के हृदय में सभी के प्रति प्रेम था। तब कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ाई से पंडित होई। विशिष्ट अतिथिगण विश्व कबीर विचार मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती पूनम आजाद, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुधीर पासवान, निरामया हॉस्पिटल के निदेशक मेजर डॉक्टर रविशंकर सिंह, महंत सुरेश दास, डॉक्टर शंभु पोदार, सभी ने अपने प्रवचन एवं भजन से आध्यात्मिक माहौल उत्पन्न कर दिया। आयोजक महंत राम बदन दास ने सभी अतिथियों को पुष्पों की माला पहनाकर तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। तिगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।